नमस्कार साथियों, मैं मास्टर विनोद सर हाजिर हूँ एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। साथियों, आज इस टॉपिक में हम आपसे बात करेंगे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। देखिए साथियों, ये आपको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे उनसे पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रह चुके थे। साथियों, 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद देश का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बनाया गया था? तो साथियों, मुझे कमेंट कर टॉपिक में बताना है कि सर ये रहे थे देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो उनकी जैसे ही वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री 27 मई से 9 जून तक रहे थे, साथियों 9 जून को देश के अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। तो हमने आपको इनके बारे में बताया है कि ये 9 जून को देश के पहले यानी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, इनका जो जन्म है साथियों, इनका जन्म मुगलसराय में हुआ था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो एक प्रश्न आता है साथियों कि 2 अक्टूबर 1904 को यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ किस महापुरुष की जन्म जयंती मनाई जाती है? तो साथियों, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। तो देखिए, पहले आप इनकी तस्वीर देख लीजिए कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर क्या है। तो देखिए साथियों, ये हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे आप लोगों को कि इन्हीं के समय में पाक और भारत युद्ध हुआ था। साथियों, ताशकंद समझौता इन्हीं के बीच हुआ था। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको मरने के बाद देश रत्न दिया गया था, यानी भारत का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया था। तो साथियों, इनके द्वारा दिया गया था एक नारा, जय जवान जय किसान। तो विस्तार से बताएंगे हम आपको, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है साथियों, वीडियो पर बने रहें, थोड़े समय का वीडियो है, आप वीडियो पर बने रहेंगे तो साथियों एक बहुत। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये विस्तार से टॉपिक है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को कब हुआ था साथियों? 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म साथियों हुआ था मुगलसराय में इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनकी पत्नी का नाम साथियों ललिता शास्त्री था। क्या नाम था? ललिता शास्त्री। एक बार एक प्रश्न में पेपर पत्र में पूछ लिया गया है। देखिए आगे इस वीडियो को देखिए ऊपर करके, ये देखिए, यानी 1951 को, कब 1951 को इन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। यानी 1951 में सत्ता में जो सरकार चल रही थी वो चल रही थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अब आप देखेंगे प्रश्न अगला है, इन्हें भारत में शांति का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? शांति का जनक। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया किस प्रधानमंत्री को शांति के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, शांति या शांति का जनक जिन्हें माना जाता है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए, आप अगले प्रश्न को देखते रहें और इन्हें करते रहें। आपको पता होगा वो देश के प्रधानमंत्री जिन्हें पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। साथियों, इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था देश के लोगों को, नारा है जय जवान और जय किसान। क्या नारा दिया था? जय जवान और जय किसान। आपको पता होगा इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने 1998 को एक नारा दिया था और उस नारे का नाम था, आपको पता होगा साथियों, नारा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो देखिए साथियों, अब ऊपर देखें, पॉइंट आया है, ये कह रहा है कि भारत और पाक युद्ध 1965। आपको पता होगा भारत और पाक युद्ध 1965 को साथियों ये लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुआ था। बताया जाता है कि भारत पाक युद्ध के इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और पाकिस्तान के शहर लाहौर तक अपना झंडा गाड़ दिया था। देखिए, इसे लेकर के 1966 में यानी 10 जनवरी 1966 को एक समझौता आयोजित किया गया था साथ ही, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होगा जो ताशकंद समझौता है वो किन दो देशों के मध्य हुआ है? देश होंगे पाकिस्तान और भारत। साथियों, यदि व्यक्तियों के नाम पूछ जा रहे हैं तो साथियों, पाकिस्तान प्रधानमंत्री अयूब खान, कौन है? अयूब खान। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य उज्बेकिस्तान की राजधानी, वर्तमान उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है साथियों ताशकंद जो है, वहां पर यह समझौता हुआ था। देखिए आगे, यानी जैसे ही ताशकंद समझौते से लौट रहे थे, जैसे ही ये ताशकंद समझौते से लौट रहे थे 11 जनवरी 1966 को, तो साथियों रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, जो इनकी मृत्यु हुई थी, यानी देश के बाहर मरने वाले ये देश के एकमात्र प्रधानमंत्री माने जाते हैं। देखिए, देश से बाहर मरने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री माने जाते हैं और मरने के बाद
मरने के बाद भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो दिया गया था पहली बार साथियों, वो इन्हीं को दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 1966 को। साथियों देश रत्न पाने वाला पहला भारतीय नागरिक साथियों के राधाकृष्णन साथियों देश के पहले उपराष्ट्रपति माने जाते हैं वो। देखिए अगला प्रश्न, इन देखिए मैं कल आपको एक टॉपिक दिया था जवाहरलाल नेहरू का, पूरा वीडियो है साथियों, यदि आपने हमारे उस टॉपिक को नहीं देखा है तो जवाहरलाल नेहरू का वीडियो जरूर देखें। साथियों हमने बताया था जैसे महात्मा गांधी जी के जो समाधि स्थल है उसे राजघाट कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसे शांतिवन कहा जाता है, और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल साथियों शक्ति स्थल कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इनका जो समाधि स्थल है साथियों कहलाता है विजय घाट। क्या कहलाता है? विजय घाट कहलाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, आज तक के सबसे गरीब प्रधानमंत्रियों से एक माने जाते हैं। तो देखिए साथियों यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दें साथियों, धन्यवाद। हम हाजिर होंगे एक ऐसे ही मजबूत टॉपिक के साथ, अगला प्रधानमंत्री देंगे आपको इंदिरा गांधी। बने रहना और देखते रहना। थैंक यू।